नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप उपाध्याय आज आप सभी का अपने चैनल ऑटो टॉक में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक, न्यू अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताने जाएंगे आपको। हाँ, ये जो भारत में लॉन्च होने जा रही हैं नई इलेक्ट्रिक कार, उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और ये जानकारी हमको एक बड़े अखबार नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट्स के आधार पर हमने ली है, जिससे हमारे दर्शकों को सभी चीज़ें एकदम हकीकत पता चल सकें और वो उस चीज़ों से रूबरू हो सकें। तो देर किस बात की, आपको ले चलते हैं इन कौन कौन सी कारें जो इंडिया में लॉन्च हो रही हैं इलेक्ट्रिक, उनको बताने के बारे में। बस मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जी हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में दिए कमेंट जरूर दें, जिससे हम अपने वीडियो को आगे और बेहतर बना सकें। ऑडी ई-ट्रॉन में दो मोटर दिए गए हैं, जिनका कंबाइंड पावर आउटपुट 408 एचपी है। इसमें 45 kWh बैटरी पैक है। फुल चार्ज होने पर यह लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक कार 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसे नवंबर में भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। इसके बाद बारी आती है निसान लीफ। यह दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। भारत में निसान लीफ 40 kWh बैटरी पैक के साथ लॉन्च की जाएगी, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 241 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर पाएगी। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 150 bhp का पावर और 320 nm का टॉर्क जनरेट करता है। भारत में यह इलेक्ट्रिक कार इस साल के अंत तक लॉन्च होगी। इसकी कीमत 40 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। अगली गाड़ी की बात कर रहे हैं हम, MG EZS। जी हाँ, हेक्टर SUV के साथ भारतीय बाज़ार में एंट्री करने वाली MG मोटर्स अब इलेक्ट्रॉनिक SUV भी लॉन्च करने वाली है। इस कंपनी ने अपनी गाड़ी 2020 में फरवरी मार्च तक लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें 45 kWh बैटरी पैक दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक SUV में 148 HP पावर वाला दमदार इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। इसकी कीमत 25 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। शुरुआत में यह देश के कुछ चुनिंदा शहरों में ही उपलब्ध रहेगी। फोर्ड एस्पायर EV इलेक्ट्रिक को महिंद्रा और फोर्ड की पार्टनरशिप के द्वारा बनाया गया है। इसमें 25 kWh की बैटरी पैक के साथ 82 HP का इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। फुल चार्ज पर एस्पायर इलेक्ट्रिक 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। इस इलेक्ट्रिक कार को महिंद्रा और फोर्ड दोनों अपने अपने शोरूम में बेचेंगे। अब बात करेंगे जानी मानी गाड़ी मारुति वैगन आर। जी हाँ, हमारे सड़कों में दौड़ रही मारुति की वैगन आर अब EV के रूप में आएगी। मारुति वैगन आर में काफ़ी दमदार मोटर दी गई है। यह इलेक्ट्रिक कार फुल चार्ज में करीब 200 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। इसकी कीमत काफ़ी आकर्षक रखी गई है, जिससे लोग इसको अधिक से अधिक खरीदें। अब बात करेंगे महिंद्रा KUV100 की। जी हाँ, महिंद्रा KUV100 भी ई वर्जन में यानी इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च की जा रही है। यह कार 2020 के शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। इसमें 40 kW का मोटर और 15.9 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। इलेक्ट्रिक KUV100 एक बार फुल चार्ज होने पर 120 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर पाएगी। इतनी गाड़ियों की बात हो, उसमें जगुआर का नाम ना आए तो वाकई में अपने आप में कहीं ना कहीं कमी खलती है। जी हाँ, जगुआर भी अपना आई पेस नाम से इलेक्ट्रिक वर्जन कार लॉन्च करने जा रहा है।
इसे भारतीय बाजार में नए साल में उतारने की तैयारी है। इसमें 90 kWh का दमदार बैटरी पैक दिया गया है। कार को एक बार फुल चार्ज करने पर 480 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। जगुआर आई पेस में दो इलेक्ट्रिक मोटर दिए गए हैं जिसका कंबाइंड आउटपुट 400 HP पावर और 696 Nm तक का टार्क देता है। इस कार को वर्ल्ड कार डिजाइन और वर्ल्ड ग्रीन कार 2019 जैसे अवार्ड भी मिल चुके हैं। अब बात करते हैं टाटा एल्ट्रोज ईवी। जी हाँ, अभी हाल ही में लॉन्च होने जा रही टाटा की एल्ट्रोज का घोषणा हुआ है, लेकिन अब इसका ईवी वर्जन भी आने वाला है। इसे इस साल हुए जिनेवा मोटर शो में पेश किया गया था। यह है 250 से 300 किलोमीटर की रेंज के साथ लॉन्च की जाएगी। इसमें फास्ट चार्जिंग मोड भी है जो 1 घंटे में 80% बैटरी को चार्ज कर देगा। इसे 2020 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास रखी जाएगी।